दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मुख्यमंत्री सेवा निश्चय योजना पार्ट टू के तहत सभी ग्राम पंचायत के वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। सो दोस्तों इनका एक फाइनली सर्वे किया गया और उन सर्वे करने के बाद दोस्तों यहां पे जो है सभी पंचायत के वार्डों का यहां पे एक लिस्ट जारी किया गया। सो दोस्तों आप वो लिस्ट कैसे चेक करेंगे और किस तरह से आप पता करेंगे कि आपके पंचायत में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, तो पूरे बारीकी से इस वीडियो में हम बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपके पंचायत के वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट कितना लगाया जाएगा, तो उनके लिए सबसे पहले आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिए हैं, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। और इस वेबसाइट पर आप जैसे ही आ जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सोलर स्ट्रीट लाइट और यहाँ पर देख सकते हैं निश्चय योजना पार्ट टू और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करते हैं दोस्तों आप इस तरह से नीचे आ जाइए। यहाँ पे कुछ फोटो वोटो दिया गया है तो इन्हें आप देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसका दोस्तों इस तरह से स्क्रॉल कीजिए और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको जो है सभी जो है बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस तरह से स्क्रॉल करना है और जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिंपली आप क्या कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम पर इस तरह से क्लिक कर दीजिए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम पे जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों उनका तो आपको अपने ब्लॉक के नाम पे क्लिक करना है, तो इस तरह से आप स्क्रॉल कीजिए और जहाँ भी आपके ब्लॉक का नाम है सिंपली आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए जैसे ही आप ब्लॉक के नाम पे क्लिक करते हैं तो उन ब्लॉक में जितना भी पंचायत होगा सभी का यहाँ पर इस तरह से लिस्ट आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए मैं इस तरह से स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने का दोस्तों देखिए 25 नंबर में जो है यहाँ पर मेरे पंचायत का दिया गया है, लेकिन दोस्तों देखिए ये मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं पूरे बारीकी से समझाना चाहूँगा, तो उनके लिए मैं सिंपली इस तरह से स्क्रॉल करता हूँ और जो पहले वाले जो पंचायत दिया गया उन पंचायत को जानकारी पर्पज से लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचायत का नाम बताया गया है और यहाँ पे पंचायत का नाम दिया गया है। तो दोस्तों मैं पहले जो है यहाँ पे अमहा पंचायत का बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि क्या क्या ये नंबर है, तो इसलिए दोस्तों मैं फर्स्ट नंबर में जो अमहा पंचायत को मैं एक जानकारी पर्पज से ले रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए इसी तरह से आपको चेक कर लेना है, जो भी आपके पंचायत का नाम आता है उस तरह से आप इस तरह से स्क्रॉल करते हुए आप चेक कर लीजिए। अब क्या चेक करना है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पंचायत का नाम दिया गया अमहा और अमहा पंचायत में टोटल जो है 13 वार्ड है और 13 वार्ड में जो सर्वे किया गया है दोस्तों वो जो है सो टोटल 13 ही किया गया है। उसके बाद दोस्तों देखिए पोल काउंट यहाँ पे 195 बताया गया और मीटिंग में दोस्तों देखिए यहाँ पे 13 दिखाया गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रोसीडिंग में जो है यहाँ पे 13 बताया गया। अगर दोस्तों इंग्लिश में बोलने में अगर थोड़ा बहुत कोई मिस्टेक हो रहा है तो उन्हें आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा इंग्लिश जो है थोड़ा वीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए इस तरह से हम स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे फिर से मीटिंग में बताया गया और यहाँ पे फिर से पोल काउंट बताया गया और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि प्रोसीडिंग बताया गया एक और यहाँ पे टोटल जो है पोल काउंट यानी जो आपके पंचायत में जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा वो जो है 226 लगाया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके पंचायत में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक जानकारी था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके मन में कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं जिनका मैं रिप्लाई 100% देने की कोशिश करता हूँ।